काजू और 4 मगज़ को गर्म पानी में भिगो ले, उसका एक पेस्ट बना ले। फिर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना ले। सब्जी को काट ले, कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं। हम अभी सारा वेजिटेबल को तल लेंगे। इसे हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। देखिए अभी गोभी हो गया है, हम इस तरह से लाल करेंगे उसको, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अभी बीन्स को फ्राई कर लेंगे। देखिए बीन्स भी फ्राई हो गया है। अभी हम गाजर फ्राई करेंगे। आप इसमें बीटरूट, कैप्सिकम, जो भी मनपसंद का सब्जी हो सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए गाजर भी फ्राई हो गया है। यहाँ मैंने आलू अभी फ्राई कर दी है। आलू भी फ्राई हो गया है। अभी हम मसाला फ्राई करेंगे। उससे पहले हम कुछ स्लाइस किए हुए प्याज को फ्राई कर लेंगे। हमें ये गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए ये फ्राई हो गया है। अभी हम इसको निकाल लेंगे। अभी तेल में कुछ कटे हुए प्याज डालेंगे। इसमें हम पिसा हुआ मसाला डालेंगे, अदरक लहसुन वाला। उसको कुछ देर चला लेंगे। उसमें अभी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे। अब इसको हम 4 से 5 मिनट ऐसे फ्राई कर लेंगे। अभी उसमें करी पाउडर, अभी इसमें हम करी पाउडर डाल के उसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी भी मिला लेंगे ताकि मसाला जले नहीं। अब उसमें कटे हुए टमाटर और हरे मटर डालेंगे। टमाटर गलने तक मसाला को भूनेंगे। अभी हम इसमें सब फ्राई किए हुए सब्जी को डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी हम उसको ढककर कुछ मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद हम वो 4 मगज काजू का पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसको बीच बीच में हम चला लेंगे। फिर हम ग्रेवी जितना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डालेंगे। देखिए ये पक गया है। अभी मैं ये सीक्रेट बता रही हूँ, फ्राई किए हुए ऑनियंस में हम इलायची और एक दालचीनी
कूट के चीनी के साथ उसको प्याज में मिला लेंगे और उसको सब्जी में डाल लेंगे।